हेलो एवरीवन, इस छोटे से वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th और 10th में यूज होने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो जनरली कहीं ना कहीं आपके पास ऑक्सीडेशन या रिडक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं और शायद आपको कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा इसमें होता है। तो डिस्कस कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है और साथ में रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की, कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। सबसे पहले देखिए ऑक्सीडेशन, यहां पर पांच चीजें आपको ध्यान रखनी है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन का नाम ध्यान रखिए कि अगर हम किसी भी चीज में ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो वो ऑक्सीडेशन है, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब देखिए ऑक्सीजन क्या है, आपको यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव में कंफ्यूजन होता है। तो आपको एक चीज समझनी है, जो एलिमेंट्स जनरली मेटल्स होते हैं, मेटल्स जनरली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, और नॉन मेटल्स, जो ज्यादा नॉन मेटल्स होते हैं तो ज्यादातर नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो आपको पता है अगर आप पीरियोडिक टेबल की बात करते हो तो आपको मैंने बताया था लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, और जैसे जैसे आप राइट हैंड साइड की तरफ जाते हो तो राइट हैंड साइड की तरफ क्या होते जाते हैं, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते जाते हैं। तो लेफ्ट टू राइट क्या होते जाते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स का ध्यान रखें, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब नॉन मेटल्स जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया, ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये भी क्या है, ये भी है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूवल, मतलब अगर आप हाइड्रोजन को रिमूव करते हो तो वो भी ऑक्सीडेशन है, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, वो भी क्या है, वो भी ऑक्सीडेशन है। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स जैसे कि मैंने बताया हाइड्रोजन और मेटल्स, जनरली हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव उनको क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। और साथ में एक और चीज ध्यान रखनी है आपकी, दैट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यू कैन से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सब क्या है, ये है हमारे पास एग्जाम्पल्स, और यू कैन से डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की। इस सबको हम ऑक्सीडेशन ही कहते हैं। इनमें से कोई भी एक चीज हो रही हो किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के साथ, किसी में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, किसी में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो वो भी ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है ऑक्सीडेशन है, या फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो वो भी क्या है, ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है तो वो भी ऑक्सीडेशन है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे यहां पे देखिए कॉपर और ऑक्सीजन की हमने रिएक्शन करवाई तो हमको मिला CuO। तो देखिए हमको कॉपर में हमने क्या किया, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड किया तो कॉपर का क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपर का हो रहा है ऑक्सीडेशन। उसी तरीके से देखिए, जैसे मैंने बोला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसी तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, देखिए यहाँ पे FeCl2 में आपने Cl2 ऐड किया, क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो ज्यादा नॉन मेटल्स होते हैं। तो Cl2 अगर हम ऐड करेंगे FeCl3 फॉर्म करता है, तो आप इसको चाहो तो बैलेंस कर सकते हो। तो ये क्या है, ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। किसका, इसका, FeCl2 का हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन कर दिया। या फिर हम क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को अगर आप रिमूव करते हो, देखिए आपने क्या किया, H2S और क्लोरीन की रिएक्शन करवाई और हाइड्रोजन को सल्फर में से हटा दिया, तो सल्फर का क्या हो गया, ये सल्फर का हो गया ऑक्सीडेशन। उसी तरीके से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, किसी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को अगर आप रिमूव करते हो तो वो भी क्या है, वो भी क्या है, वो भी है ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल 2AgCl से अगर आप क्या फॉर्म करते हो, Ag और Cl2, तो देखिए क्लोरीन से आपने क्या रिमूव कर दिया, सिल्वर को रिमूव कर दिया और केवल क्लोरीन रह गया, तो ये क्लोरीन का क्या हो गया, अगेन ऑक्सीडेशन हो गया। और उसी तरीके से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर रिमूव करते हो आप इलेक्ट्रॉन को, लूज करते हो इलेक्ट्रॉन को, तो ये क्या है, ये भी ऑक्सीडेशन है। तो सोडियम क्या कर रहा है, सोडियम आयन फॉर्म कर रहा है। तो यहां पे ध्यान रखिए कि जो चार्ज है, जनरली आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो जो चार्ज है वो जितना बढ़ता जाता है, जितना पॉजिटिव होता जाता है, तो पॉजिटिव कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कभी कभी जैसे ये रिएक्शन आपके पास आ गई, यहाँ पे आपको बहुत कंफ्यूजन होता है, तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रिएक्शन आ गई, यहाँ पे आपको रिएक्शन मिल गई Fe2+ विल फॉर्म Fe3+ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप कंफ्यूज हो जाते हो, इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, तो ऑक्सीडेशन होगा या फिर रिडक्शन होगा, यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन। क्यों ऑक्सीडेशन होगा, पहले उसका चार्ज देखिए +2 था, अब +3 हो गया। +3 कब होगा, जब वो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा +2 से +3, अगर वो गेन करेगा तो +2 से +1 होगा, फिर एक और करेगा तो 0 हो जाएगा। तो जितना जितना चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जितना कम होते जाएगा, तो इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कब बढ़ेगा उस पर, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो आयंस के केस में भी इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये तो था हमारे पास ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं रिडक्शन की डेफिनेशन की। तो सबसे पहले रिडक्शन में ऑक्सीडेशन का बिल्कुल उल्टा होता है, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये है हमारे पास रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का एग्जाम्पल। देखो कॉपर ऑक्साइड को आप हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करोगे तो ये वाटर बनाएगा, तो कॉपर से क्या हो गया, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था रिमूव हो गया, तो इसका क्या हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। उसी तरीके से H2S को आपने FeCl3 के साथ ट्रीट किया, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, इससे क्या रिमूव किया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो देखिए FeCl3 से देखिए एक क्लोरीन हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो क्लोरीन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। उसी तरीके से क्लोरीन यहाँ पे देखिए क्या बोला मैंने, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एक बार आपको ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्लियर हो गई, रिडक्शन की डेफिनेशन बिल्कुल उल्टी कर देनी है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देखिए, जैसे यहाँ पे क्लोरीन है, H2S के साथ ट्रीट करोगे तो क्लोरीन के साथ H ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो रहा है, क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, हाइड्रोजन मैंने बताया इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, ये भी रिडक्शन होगा। तो देखिए Fe+S, सल्फर के साथ आपने क्या किया, Fe को ऐड किया, दैट इज आयरन को ऐड किया। आयरन क्या है, एक मेटल है, मेटल्स क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, बस इसका ध्यान रखिए। तो ये FeS बनाया, तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ, सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ। और लास्ट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हुआ, सल्फर का यहाँ पे रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन नहीं, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो क्लोरीन के साथ दो इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे, ये फॉर्म करेगा क्लोराइड आयन, Cl- आयन। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि रिडॉक्स रिएक्शंस का मीनिंग क्या होता है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, इन रिडॉक्स रिएक्शंस में नाम से पता चल रहा है दो चीजें होती है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो इसको कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं रिडॉक्स, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन जिसमें होता है उनको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसमें रिडक्शन भी होगा ही होगा, अगर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन भी होगा ही होगा। बहुत कम ऐसे रिएक्शंस होती हैं जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कुछ भी नहीं होता है। तो अगर एक चीज होती है, मतलब अगर रिडक्शन होता है तो ऑक्सीडेशन भी होगा ही होगा, और अगर ऑक्सीडेशन होता है किसी कंप्लीट रिएक्शन में तो रिडक्शन भी होगा ही होगा। चलिए मैं हर रिएक्शन को एग्जाम्पल की हेल्प से बता देता हूं। देखिए यहां पे क्या हुआ, कॉपर और ऑक्सीजन का आपने रिएक्शन करवाई, तो कॉपर का क्या हुआ, कॉपर में तो ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो कॉपर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। लेकिन ऑक्सीजन के साथ कौन ऐड हुआ, कॉपर ऐड हुआ, और कॉपर क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, क्योंकि मेटल है, और एडिशन ऑफ जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या हुआ, रिडक्शन। तो कॉपर का तो ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और यहां पे देखिए FeCl2+Cl2, यहां पे देखिए, तो यहां पे क्लोरीन इसमें ऐड किया आपने, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड किया, तो इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन इसमें Fe भी तो ऐड हुआ है क्लोरीन में, तो इस क्लोरीन का क्या हो गया, फिर रिडक्शन हो गया। उसी तरीके से यहां देखिए H2S+Cl2, यहां पे देखिए, तो यहां पे क्या किया आपने, हाइड्रोजन को रिमूव किया सल्फर से, लेकिन ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जाके ऐड हो गया, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो क्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो देखिए ऑक्सीडेशन एक का हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन हो रहा है। उसी तरीके से यहां पे देखिए AgCl में, तो यहां पे देखिए आपने क्या किया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, किससे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव किया आपने, क्लोरीन से, तो क्लोरीन से सिल्वर हट गया, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हट गया, लेकिन सिल्वर से भी तो क्लोरीन हट गया, सिल्वर क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो क्लोरीन का तो ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन सिल्वर का क्या हो गया, यहाँ पे सिल्वर का हो गया रिडक्शन। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और उसी तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, देखिए CuO+H2, तो यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड से आपने ऑक्सीजन रिमूव किया, राइट, तो कॉपर ऑक्साइड का तो हो गया रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन ये ऑक्सीजन किसके साथ ऐड हुआ, हाइड्रोजन के साथ, तो जिसके साथ वो ऑक्सीजन ऐड होगा उसका ऑक्सीडेशन भी तो होगा, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। उसी तरीके से H2S+FeCl3, यहाँ पे भी देखिए, तो यहाँ पे क्या किया आपने, क्लोरीन को हटाया, किससे हटाया, क्लोरीन को हटाया आपने यहां से, और किसके साथ ऐड कर दिया, हाइड्रोजन के साथ ऐड कर दिया। अब आप सोचोगे यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, तो FeCl3 का तो क्या हो गया, FeCl3 का हो गया यहाँ पे रिडक्शन। क्यों रिडक्शन हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या किया आपने, रिमूव किया। लेकिन यहाँ पे देखिए सल्फर को देखिए, सल्फर से आपने क्या रिमूव कर दिया, हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, तो सल्फर का तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो उसी तरीके से क्लोरीन को आपने H2S के साथ ट्रीट किया, तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो जा रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज रिडक्शन, क्लोरीन का रिडक्शन हो गया। लेकिन सल्फर से आपने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब सल्फर का क्या हुआ,
ऑक्सीडेशन हुआ, तो एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन होगा। उसी तरीके से FeS, तो यहां पे देखिए Fe के साथ S ऐड हो रहा है, S क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, Fe का तो ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन सल्फर के साथ Fe ऐड हो रहा है, दैट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। और आप इसके बारे में सोच रहे होंगे कि इसके बारे में मैंने आपको क्यों नहीं बताया, इसके बारे में यहाँ पे आप सोचोगे कि यहाँ पे तो केवल ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे केवल ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे केवल रिडक्शन हो रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ऑक्सीडेशन होता है तो रिडक्शन भी होता है, ऐसा कभी नहीं होता किसी रिएक्शन में कि किसी का केवल ऑक्सीडेशन हो रहा और किसी का भी रिडक्शन ना हो रहा। लेकिन आप कहोगे कि यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन हो रहा है, एक ही चीज हो रही है, इन रिएक्शन में केवल ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें केवल रिडक्शन हो रहा है। तो एक्चुअल में यहाँ पर ये जो रिएक्शंस हैं ये कंप्लीट रिएक्शंस नहीं है, जिनमें भी आप इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट देखोगे ना, रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट देखोगे वो एक्चुअल में हाफ रिएक्शंस होती हैं, वो आधी रिएक्शंस होती हैं, उनमें या तो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट दिखाते हैं या फिर रिडक्शन वाला पार्ट दिखाते हैं, वो कभी भी कंप्लीट रिएक्शंस नहीं होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स वालों को छोड़ दीजिए आप, क्योंकि ये हाफ रिएक्शंस होती हैं, ये कंप्लीट रिएक्शंस नहीं होती हैं, इसीलिए इनमें या तो ऑक्सीडेशन आपको देखने को मिलेगा या तो रिडक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, जो कंप्लीट रिएक्शंस जितनी भी होती हैं, उनमें अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शंस भी होगा। और ऐसी रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस दोनों होते हैं उनको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। अब आप सोचोगे कि ऐसा जरूरी क्यों है कि ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो रिडक्शन भी होगा ही होगा, या फिर रिडक्शन अगर किसी का हो रहा है तो किसी का ऑक्सीडेशन होगा ही होगा। तो देखिए एक सिंपल सी बात है, देखिए यहां पे क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी एलिमेंट में या किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, राइट, वो ऑक्सीजन कहीं ना कहीं से तो आ ही रहा होगा, जहां से वो ऑक्सीजन आ रहा है वो तो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, लूज कर रहा है, और अगर वो ऑक्सीजन को लूज कर रहा है तो उसका तो रिडक्शन होगा। उसी तरीके से आप किसी भी चीज के बारे में सोचिए, जैसे हम रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो ये इसका अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है कोई ना कोई तो एक्सेप्ट कर रहा होगा, तो जो एक्सेप्ट कर रहा है उसका रिडक्शन होगा, इसका अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो। उसी तरीके से यहां पे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हुआ तो वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं से तो आया है, और जिसने वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लूज किया होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसने रिमूव किया होगा, उसका क्या हुआ होगा, रिडक्शन। तो अगर एक चीज होती है, अगर हाइड्रोजन ऐड होता है तो जब कहीं से वो हाइड्रोजन रिमूव हुआ होगा, किसी ने दिया होगा वो हाइड्रोजन, तभी तो उसका क्या होगा, क्या होगा, यहां पे रिडक्शन होगा। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो जहां से वो हाइड्रोजन आया है वहां से उस पर्टिकुलर सब्सटेंस ने क्या किया, हाइड्रोजन लूज किया है, तो उसका तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो अगर एक गेन करता है ऑक्सीजन तो वो किसी ना किसी ने लूज किया होगा, या कोई लूज करता है अगर ऑक्सीजन को, कोई ना कोई गेन करेगा। तो इस वजह से अगर किसी का ऑक्सीडेशन होता है किसी रिएक्शन में तो किसी दूसरे का रिडक्शन भी होता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये हमेशा साइमल्टेनियसली होती है, एक साथ होती है, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन ही हो रहा और किसी रिएक्शन में केवल रिडक्शन ही हो रहा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है और रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। तो ये आपके काफी आगे तक काम आने वाला है अगर आप साइंस पढ़ते हो। तो ध्यान रखिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन शुरू में आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकती है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल टर्म्स है। हाउएवर अगर आप क्लास 11th में जाओगे तो ये और भी इजी हो जाएंगे, क्योंकि आपको वहां पे ये चीज डिटेल्स में पढ़नी होगी। वहां पे एक ही टर्म होती है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन जब तक आप क्लास 9th या 10th में हो तो वहां पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर की टर्म में पढ़ना होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर समझने के लिए भी आपको थोड़ा बहुत पहले कुछ पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो आई होप कि आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, और ये भी क्लियर हो गया होगा कि रिडॉक्स रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।